अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आपके साथ आम का जो गुड़म्बा बोलते हैं, मुरब्बा बोलते हैं और बहुत सारे नाम हैं इसके, लौंजी, आम की लौंजी भी बोलते हैं, तो ये उसकी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये तो हमारे बचपन से हम खाते हैं और ये बहुत अच्छी बनती है। इसे आप पराठों के साथ भी खा सकते हो और ये बहुत खट्टी मीठी सी बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 500 ग्राम कैरी ले ली है, रॉ मैंगो, और साथ ही में मैंने सौंफ, कलौंजी, मेथी दाना और अजवाइन लिया है। कैरी को इस तरह से मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। और ये कुछ पाउडर मसाले हैं जिसमें रेड चिली पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला, ब्लैक पेपर पाउडर, हल्दी और गरम मसाला यूज़ किया है। नमक आप टेस्ट के हिसाब से ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमें बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए तो इसलिए हम कम ही ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें मेथी दाना, अजवाइन, कलौंजी और सौंफ को ऐड कर देंगे और इन्हें हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जस्ट ऑयल में थोड़ा सा आप इसे भून लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा आप इसे भून लोगे तो ये कड़वा हो जाता है। और इसके तुरंत ही बाद हम इसमें हमारी कैरी को ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप इसे मिक्स करते जाइए। जब ये इस तरह से मिक्स हो जाएगा तो हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो आप इसमें 1 कप के करीब पानी ऐड कर लीजिए और जितने भी पाउडर मसाले थे हम इसमें ऐड कर देंगे और इन्हें एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। बस हमें एक अच्छा सा बॉईल आने देना है मसालों के साथ। जब इसमें बॉईल आ जाएगा थोड़ा सा तो हम इसे ढक के पकाएंगे 15 to 20 मिनट्स के लिए, ताकि हमारी कैरी थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो गई है। और इसके छोटे छोटे से चंक्स जब आप खाते हो ना तो वो मुंह में आते हैं तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। आप चाहो, हम तो इसे पूरा मिक्स करते थे, आप चाहो तो इसे बड़े बड़े चंक्स में भी रख सकते हो। तो इस स्टेज पे हम इसमें गुड़ ऐड कर देंगे। अगर आपके पास गुड़ जैगरी ना हो तो आप इसमें 250 ग्राम शुगर भी ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पर 300 ग्राम गुड़ का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमारा गुड़ भी अच्छे से डिसॉल्व हो गया है, साथ ही में हमारी कैरी भी जो है वो भी सॉफ्ट हो गई है। तो ये अभी रेसिपी रेडी हो गई है। अब इसमें हम 1 टेबल स्पून विनेगर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, क्योंकि अभी हमें इसे और थिक नहीं करना है, क्योंकि ये जो लौंजी मुरब्बा जो है ये ठंडा होने के बाद और थिक हो जाता है। तो ये देखिए, तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी थिकनेस। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही में इस चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। साथ ही में दुआ में याद रखना। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।